चलिए, ओमकार। क्या हुआ मोहम्मद? ओम साया। चलिए, आज हम वो आई है क्या, लड़की क्या नाम है उसका, मैंने लिख के एक ही रह गई साइंस क्लास क्या नाम है उसका नहीं आई सर, पूनम। बेटा? पूनम नहीं आई। चलिए भाई, उनको पता नहीं क्या है, कुछ लिखती भी नहीं है, कुछ बताती भी नहीं है, क्या मैटर है। चलिए देखते हैं अपन कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था अबाउट डेफिनेट इंटीग्रल पर डिस्कशन कर रहे थे हम, ठीक है भाई, है ना। और हमने बोला था कि अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल आपसे बनता है तो डेफिनेट इंटीग्रल आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको वहां पर जाएगी नहीं, मगर पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं। क्यों भाई, किया है? सर आज फिजिक्स का वाइवा था तो नहीं किया। अच्छा, फिजिक्स का वाइवा था, कोई बात नहीं, चलिए हो गया, वाइवा निपट गया। चलिए चलिए, ओके हाँ सर। ओके ओके ओके। सर चलिए, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। हाँ, एक मिनट। एंड मेरी, थोड़ा जो स्टूडेंट्स क्लास में हैं उनके नाम एक बार आप बेटा जरूर लिख लेना है, थोड़ा मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे, ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, ध्यान से बता देना मुझको। हाँ चलिए, हम स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई एंड मेरी। यस सर। ओके, देखें हम और इसी पर कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी उसने दिए हुए हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को, हम थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। आपको हमने लास्ट क्लास में लिमिट का कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, आपने ध्यान दिया था सारे लोगों ने कि कब हम लिमिट चेंज करनी है और किस कंडीशन में लिमिट चेंज नहीं करनी है, ध्यान है ना भाई सबको, ठीक है? ओके चलिए, जरा इस वाले क्वेश्चन को करिए आप लोग। क्या है, अपन इसको देखते हैं, 7.10 एक्सरसाइज का है। अच्छा, आज तो पूरी क्लास नहीं है अपने साथ ना, हाफ क्लास ही है। ओके ओके, नेक्स्ट नहीं बता सकते, चलिए कोई बात नहीं, दोनों के एक्सरसाइज के सेम ही क्वेश्चन है, कोई ऐसी बहुत अलग से बात नहीं है, अपन इसका वही क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसका देखें क्या है। सेकंड क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2, यस इंटीग्रल ऑफ साइन फाई
इंटीग्रल ऑफ साइन फाइव इंटू कॉस रेस टू द पावर फाइव फाइव, ये अंडर रूट के बाहर है डी फाइव। चलिए अगर ये हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप ये बताइए हाउ टू सॉल्व। सपोज अभी डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रल ही होता तो कैसे करते हम? सब्स्टिट्यूशन सर। कैसे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? बताइए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? रूट साइन एक्स, रूट साइन फाइव इसको सपोज करें, और सोचिए कोई और बोलेगा इनमें से, आप में से कोई बोलेगा? शुभम, ये क्या नाम है इसका, साहू जी आप बोलोगे बेटा? नहीं, राकेश आप बोलोगे? निवेदिता, निवेदिता सर नहीं आ रहा सर। ओके श्रेयस बताओगे? फणेन्द्र, सूर्यांश, ओके। चलिए देखें अपन कुछ इसको अगर ऐसा करें कि 0 to π/2 और ये साइन फाइव, और इसको अगर हम कॉस फोर फाइव इंटू कॉस फाइव में करें, इससे कुछ हिंट मिलेगी क्या? देखिए आप, इससे कुछ हो सकता है क्या आपका काम? तो आई इज इक्वल टू 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन फाइव, ठीक है। इसको आप कितना लिख सकते हैं देखिए, 1 माइनस ये स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव होल स्क्वायर इंटू कॉस फाइव डी फाइव, हो सकता है ना? ये हमने कॉस स्क्वायर, कॉस रेस टू द पावर फोर फाइव को, फाइव को कॉस स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर किया, कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया, ठीक है बच्चों? हाँ, और इसको अब हम टी अगर सपोज करके चलते हैं, लेट साइन फाइव इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशियल करने पे कितना हो जाएगा ये देखिए, कॉस फाइव डी फाइव इज इक्वल टू डी टी, ये लास्ट का कॉस फाइव डी फाइव तो ये रिप्लेस कर देगा डी टी। तो देखें लिमिट आप चेंज करना नहीं चाह रहे हैं, आप लास्ट में ही उसी को रिप्लेस कर देंगे टी को, क्यों भाई? ठीक है, और यस सर। ओके चलिए, तो अब करिए 0 to π/2, ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा आपके पास में, करिए इसको जरा 0 to π/2, करिए इसको सिंप्लीफाई। तो ये अंडर रूट टी को तो अभी हम अंडर रूट टी या टी रेस टू द पावर 1/2 कर लेते हैं, और इसको ओपन करेंगे तो 1 plus t raised to the power 4 minus 2t square dt, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा कितना, 0 to π/2, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए
टी रेस टू द पावर हाफ प्लस टी रेस टू द पावर 9/2 माइनस 2 इंटू टी रेस टू द पावर 5/2 इंटू डी टी, ठीक है, इंटू डी टी, इतना आप कर सकते हैं इसमें, है ना। और अब इसमें आप t को रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर रिप्लेस करिए, या ऊपर ही अगर आप लिमिट रखना चाहते हैं तो आप ऊपर लिमिट रख दीजिए, जैसा आपको करना हो वो आप पर डिपेंड करता है। इसके आगे सॉल्व करिए, आप बताइए मुझे कितना आता है, जल्दी से सॉल्व करके जल्दी बताइए। यस, बताइए इसको सिंप्लीफाई करके बताइए, व्हाट इज द आंसर, जल्दी। कितना आ रहा है, कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि हम सोच बस रहे हैं कि आप कर रहे हैं। सर नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं ना? हाँ, और कुछ नहीं करना है, नॉर्मल इंटीग्रेशन, और उसकी लिमिट रख देनी है, और कुछ नहीं करना है। बोलो भाई जल्दी, तुम्हारा नहीं आ रहा, और कोई बोलिए, पूरा सॉल्व करके दिखाना है कि सर कि जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो दिखाना है हमें, तो आंसर से मतलब है। ठीक है, आंसर से मतलब है। बाकी और कोई बोलिए, और किसको क्या? दो मिनट सर, दो मिनट। एंड मेरी तुमने लिमिट चेंज की थी कि नहीं की? एंड मेरी सर वही नहीं आ रहा सर, लिमिट नहीं चेंज करते बन रहे। चलिए, कितने लोगों से लिमिट नहीं चेंज करते बन रहे, मैं लिमिट चेंज करना बता देता हूँ आपको। पहले लोअर लिमिट, अगर लिमिट चेंज करना चाह रहे हैं तब, तो लोअर लिमिट आप रखेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो कितना हो जाएगा, एक्स नहीं यहां पर फाई है, फाई इज इक्वल टू जीरो, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने ये माना टी कॉस जीरो, साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आया। एन मेरी समझ में, क्यों जीरो हो गया, है ना? हाँ सर आ गया। और दूसरा रखिए, फिर इसमें ये वैल्यू आ गई, दिस एम्प्लाइज टी इज इक्वल टू जीरो, एंड व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू,
यहाँ साइन में रखेंगे साइन 90, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये लिमिट 0 टू 1 पे आप कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ नहीं चेंज किया तो 0 से पाई बाई 2 करेंगे, फिर टी की वैल्यू हर जगह आप रखेंगे साइन 5 उससे होगा। यस बताइए जल्दी। सर यहाँ तक आ गए सर, शायद सर 2 बाई 3 धीरे फोर। से। हाँ क्या कोई एक जन बोलो, कौन बोल रहा है पहले? एन मेरी बोल रही, बोलो। सर 64 अपॉन ऐसा कुछ आएगा क्या हाँ सॉल्व 64, करने पर? हाँ 64 अपॉन क्या वैल्यू रखी है आपने, 0 और 1 की? हाँ 0 सर। टू। अच्छा ठीक है ना भाई, आखिरी में केवल वैल्यूज रखनी है, नथिंग एल्स। बन जाएगा बाकी लोगों से? हाँ कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या समझ में आएगा मेरे कि हाँ कि नहीं, कि है क्लास में कि नहीं है क्लास में। तो लास्ट वाला बता दो सर, लिमिट नहीं रख पा रहे 64 सर। अपॉन 231। हाँ 64/231 बिल्कुल सही है। किस कौन बोल रहा है कि लिमिट नहीं रख पा रहे? सर मेरा यहाँ तक तो हो गया 2/3 टी रेशियो पावर 3/2 प्लस 2/11 टी रेशियो पावर 11/2 माइनस 4/7 टी रेशियो पावर 7/2 पूरे का ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 1 से 0 लिमिट। हाँ 1 से 0 की 0 से 1 सर 0 07 बस। तो फिर सब में जहां टी है वहां पर 1 रख देना है, माइनस दूसरे पार्ट में 0 ही रहेगा पूरा, क्यों? क्योंकि लोअर लिमिट 0 है यस सर हो जाएगा सर। ना, सीधा सा हो जाएगा उसमें। चलिए जरा एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, इस तरीके से करिए। आप लिमिट में थोड़ा सा परेशान मत होइए भाई, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन अपन इसका करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से आप करेंगे ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करते हैं कोई, ठीक है? चलिए 15th क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज 7.9 का 15th क्वेश्चन, 7.9 का 15th क्वेश्चन। देखिए 15th क्वेश्चन है, I is equal to 0 to 1 x into e raised to the power x square into dx, ठीक है? e raised to the power x dx। ओके हाउ टू सॉल्व? 2x को वो x स्क्वायर को सर t के इक्वल रख देंगे। अच्छा चलिए ये बोल रही है कि लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो कितना हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। लिमिट भी चेंज करना है हाँ? तो आप लिमिट भी लिख लीजिए, व्हेन x इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, एंड x इज इक्वल टू 1 दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 1, लिमिट एज इट इज है कोई चेंज नहीं हुआ। तो I इज इक्वल टू ये आपने लिमिट यहां पर रखा हुआ है कितना, 0 से 1 चेंज वाली लिमिट है ये, और चूंकि दोनों एक सी है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये हो गया e raised to the power t into dt। What is the integral of e raised to the power t? e raised to the power t only।
ई रेस टू द पावर टी ओनली, ठीक है। यश पारा सर, यश पारा सर, हेलो, नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा सर? अपॉन टू, अपॉन टू, हाँ ये उसमें अपॉन टू, तो ये वन बाई टू को हम बाहर लिख देते हैं, तो इसका इंटीग्रल कितना रह जाएगा, ई रेस टू द पावर टी और जीरो टू वन, वैल्यू रख दीजिए जरा, ई रेस टू, ये हो जाएगी ई रेस टू द पावर वन माइनस ई रेस टू द पावर जीरो, ई रेस टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा आपके पास में वन बाई टू ई माइनस वन, ठीक है। ओके चलिए और क्वेश्चन करिए इसमें अपन, और देख जिससे आपको लिमिट का थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाउ टू सॉल्व द लिमिट, ठीक है। ये वाला करिए क्वेश्चन नंबर 16, एवरीवन प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। यस आमिर खान, यस सर, कोई आवाज नहीं आ रही तुम्हारी भाई आज। मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कैफ केवल उसमें दिख रहे हो, केवल नाम दिख रहा है। श्रेयस दिख भी नहीं रहा है, श्रेयस ओके चलिए करिए क्वेश्चन। करिए कौन सा क्वेश्चन बोला मैंने आपसे करने, 16th, 16th क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको एक पॉइंट बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना है। क्या पॉइंट है वो? जैसे आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, क्या है वो पॉइंट? सर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वेरी गुड, कैसे पता चला? Because the power of x in numerator and denominator कैसा है, same है। Then what you will do? आप इसको divide कर लेंगे, divide कर लीजिए इसको, 5x square divide हो जाएगा इससे किससे, x square plus 4x plus 3 से, करिए divide। How many times? 5 times. तो ये हो जाएगा कितना, देखिए 5x square plus 20x plus 15 minus minus minus. तो ये 5x square cancel, तो ये हो जाएगा 20x minus 15. तो इसको कितना लिखेंगे आप इसको यहां पर, तो ये this is equal to, अभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं किया, कुछ नहीं किया, ठीक है ना, 5 माइनस 20x प्लस 15 अपॉन, ये हो जाएगा कितना आपके पास में, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx, ठीक है, इंटू dx। अब आप इसका इंटीग्रल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 to 2, 5 का अलग हो जाएगा माइनस, इसका आप अलग कर सकते हैं 1 to 2 इंटू 20x प्लस 15 अपॉन, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। कैसे इसको किया जा सकता है इंटीग्रल, कोई है ट्रिक क्या आपके पास में, हाउ टू इंटीग्रेट?
सेकेंड पार्ट, हाउ टू इंटीग्रेट सेकेंड पार्ट, बोलो भाई बच्चों, हाउ टू इंटीग्रेट सेकेंड पार्ट, इसको आप वाला लगा लीजिए, वो ए और बी निकालते थे ना, ठीक है, तो 20x plus 15 is equal to a into d by dx of denominator, वो वाला, या ऊपर कुछ एड एंड सब्सट्रैक्ट करिए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अपन इसको अभी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर हम नीचे जो इसको करेंगे तो अपन इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखिए ये आपने इसको लिखा 20x plus 15 is equal to a into d by dx of x square plus 4x plus 3 plus b, तो ये कितना हो जाएगा, a into this is 2x plus 4 plus b, ठीक है, और this is equal to 20x plus 15। वैल्यू निकालिए a और b की, तो x का कोफिशियंट इस साइड में कितना है 20, और यहां पर जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a is equal to 10, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई बताएगा b की वैल्यू, यहां कांस्टेंट 15 है और यहां पर कांस्टेंट 4a plus b, a को आप 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो b is equal to हो जाएगा, देखिए 15 minus 40, तो b is equal to 20 minus 25, देखिए आपका भी यही आ रहा है क्या, चेक करिए, चेक इट स्टूडेंट्स, चेक करिए, यही आ रहा है क्या आपका भी कि नहीं आ रहा है, बताइए फिर। हेलो, हाँ सर माइनस 25 आ रहा है, ठीक है, ओके, तो इससे आप आगे क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आपको लेकर के चलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट पेज पर, देखिए चलिए करिए नेक्स्ट पेज पर करेंगे, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 5 इंटू डी एक्स माइनस, ये कितना हो गया इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, यहां आपने किया इसको तो ए की वैल्यू 10 आई थी, एम आई राइट, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू, और जिसका आपने इंटीग्रल किया हुआ है वो 2x plus 4 है शायद, 10 into 2x plus 4 minus 25 अपॉन, ये वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर में है x square plus 4x plus 3, इसके फैक्टर हो जाएंगे ना, मगर क्यों भाई, सर फैक्टर हो जाएंगे पहले ही, सर पहले ही फैक्टर हो जाएंगे, है ना, तो इतना x plus 1 और x plus 3, तो इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है फिर, ये देखो यहीं पर इसके अगर फैक्टर हो रहे हैं तो फिर अपने पास में तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, आप इसको ये वाली चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं, अपन कोई मतलब नहीं है इसको लेने का, फिर इस वाली कहाँ चला गया, वो पूरे चला गया, ओ कोई बात नहीं, तो इस नेक्स्ट पेज पर है ना, उसी को अपन लेकर के चलते हैं आगे, तो ये वाला जो है इसको लेकर के चलते हैं, यहाँ पर अपन इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको करिए इस तरीके से, ये वाला क्वेश्चन वो जो वन से डिवाइड करने के बाद वाला स्टेप लेकर के चलिए, तो आई इज इक्वल टू 0 to 1 और ये आ गया था 5, बोलना जरा कितना था, 5 माइनस 20x, नहीं नहीं वो वाला नहीं, बगैर डिवाइड किए वाला टर्म,
जब जब हमने वो केवल डिवाइड किया था, जब फाइव माइनस कितना लिखा था एकदम इस बिगनिंग, 20x+15 अच्छा यही लिखा था, यस हाँ सर यस सर 20x+15 अपॉन x² बोलो कितना प्लस था। फोर हाँ एक्स प्लस थ्री इंटू डीएक्स, फाइव पूरे में से कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो हम इसको और एक स्टेप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 0 to 1, और ये 1 माइनस ये यहाँ कॉमन लेकर के कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा 4x+3 अपॉन एक्स, इसके फैक्टर्स हो गए, तो आपने इसके फैक्टर्स कितने बनाए, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, एक्स +3x+x+, प्लस वन और एक्स प्लस थ्री हाँ तो यही आएंगे ना फैक्टर, ठीक है, तो ये हो जाएंगे इज इक्वल टू 5 0 to 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस ये होगा कितना 4x+3, ये x आउटसाइड तो x+3+1 आउटसाइड, तो ये हो गए आपके पास में कितने x+3, और ये हो जाएगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 5, और इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, और ये 1 माइनस ये हो जाएगा 4x+3 अपॉन ये x+3 है, और ये है कितना x+1 इंटू डी एक्स, और कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू डी एक्स -5 इंटू ये 4x+3 अपॉन x+3 इंटू ये x+1 इंटू डी एक्स, ठीक है, और ये लिमिट कितनी है 0 to 1, और ये लिमिट कितनी है 0 to 1। अब यहां पर आपका फर्स्ट पार्ट लग जाएगा, फर्स्ट टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा, ठीक है, बनेगा फर्स्ट टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन ए और बी की वैल्यू निकालने वाला, जल्दी से करिए जरा, ए और बी की वैल्यू निकालते हैं अपन इसमें, इसको आप थोड़ा मुझे बताना है, मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं 4x+3 वाला, ठीक है, तो ये यहां से अपन कर लेते हैं, यहां ये तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 to 1 5 इंटू डी एक्स माइनस 0 to 1 4x+3 अपॉन x+3 इंटू x+1 इंटू डी एक्स, यही है ना भाई, तो ये हो जाएगा सर इसका हो जाएगा ये 5x, और ये लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से 1 माइनस। अब इसको आप लिख लेंगे, ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, तो ये 4x+3 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 1+b इंटू x+3, हमने सीधा लिख दिया है, आपको समझ में आ रहा है ये, एक स्टेप हमने खा गए हैं, ठीक है, ए सर, फाइव अपॉन, भी था सर मल्टीप्लाई में सर ऊपर। हाँ, यहां पे हमने डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा लिख दिया है, आपको आ रहा है समझ में कि नहीं, कि मैं पूरा लिखूं इधर पर, नहीं आ रहा ऐसा लगता है, ठीक है, मैंने ये किया हुआ था, देखिए अलग अलग जब निकालेंगे तो ए अपॉन ये होगा x+3 और बी अपॉन ये x+1 ऐसा लिखेंगे, ठीक है, किसके इक्वल, इतने के इक्वल 4x+3 अपॉन ये x+3 इंटू x+1, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन की बात चल रही है, ठीक है, तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट दिस इज 4x+3 इज इक्वल टू ए इंटू ये x+1+b इंटू x+3, ठीक है, अब आपने ले लिया लेट पहला वाला x+1 इज इक्वल टू 0,
तो इसको लेने से आ जाएगा x is equal to minus 1. इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे माइनस वन, तो ये हो जाएगा कितना माइनस फोर प्लस वन, तो माइनस वन ये जीरो हो जाएगा, माइनस वन तो ये टू बी, ठीक है, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन बाई टू. और इसी तरीके से हम जब इसको ले लेंगे जीरो, लेट x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस थ्री, तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री, तो माइनस नाइन इज इक्वल टू यहां पर माइनस थ्री, तो माइनस टू बी हो जाएगा, ए माइनस टू ए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ए इज इक्वल टू नाइन बाई टू. चेक कर लीजिए आप भाई ए और बी की वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आपकी, प्लीज. हाँ सर यही आ रही है. ठीक है, ये आ रही है आपकी ए एंड बी. तो यहाँ हमारा जो एक्सप्रेशन होगा ऊपर, ये कैसे, ये तो हमने अलग से निकाला इतना पार्ट, ठीक है, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा इनकी वैल्यूज, तो जीरो टू वन ए, ये हो जाएगा ए, ए इज इक्वल टू व्हाट, नाइन बाई टू, तो ये हो जाएगा नाइन बाई टू इंटू एक्स प्लस थ्री, प्लस बी की वैल्यू है माइनस वन बाई टू, तो यहाँ ये माइनस आ जाएगा, माइनस वन बाई टू इंटू एक्स प्लस सॉरी अपॉन, नीचे आएगा ये एक्स प्लस वन, और ये पूरे का डी एक्स. ठीक है बच्चों, यहां तक आ गया समझ में? यस सर. अब इसको इंटीग्रल आप करेंगे, ठीक है, तो इसको इंटीग्रल करिए, नेक्स्ट पेज में आप खुद लिखिए, यहां तो लिमिट हो जाएगी, इसको इंटीग्रल करेंगे तो ये 9 बाई टू बाहर आएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस थ्री, और ये माइनस 1 बाई टू बाहर आएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस वन हो जाएगा. ठीक है, लॉग एक्स प्लस वन हो जाएगा. करिए जल्दी से, जरा बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है. यस, हाँ चलिए बताइए, यहां पर आप ए और बी की वैल्यूज आप निकाल रहे हैं, ए और बी हो गया है, हमको इंटीग्रल बस चाहिए उसका, बताइए. आई इज इक्वल टू फाइव एक्स जीरो टू वन माइनस, ये कितना था आपके पास में यहां पर, नाइन बाई टू लॉग, ओके ठीक है, अलग अलग कर देते हैं इनका. ये हो जाएगा फाइव भी है बाहर, जल्दी निकालो भाई, आप हमारा वेट मत करो. माइनस फाइव लॉग मॉड एक्स प्लस, डिनोमिनेटर इज थ्री, मॉड एक्स प्लस थ्री, और ये पूरी, इसमें एक नाइन बाई टू भी है, इसमें कॉन्स्टेंट में ये है नाइन बाई टू, बताइए भाई जल्दी. तो ये नाइन बाई टू होने से फोर्टी फाइव बाई टू, और लिमिट जीरो टू वन माइनस. सेकेंड साइड का बताइए जल्दी, तो फाइव माइनस माइनस प्लस फाइव बाई टू, प्लस फाइव बाई टू इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन जीरो टू वन,
अब इनमें लिमिट्स रख दीजिए, तो ये हो जाएगी आपके पास में 5 - 0 - 45/2, यहाँ हो जाएगा log of 4 - ये हो जाएगी log of 3, ठीक है, प्लस 5/2 ये हो जाएगी log of 2 - log of 1, ठीक है। अब इनको आप कर लेना। आया भाई समझ में कुछ नहीं आया? सर लिमिट 1 से 2 थी ना सर, लिमिट इज 1 2, नहीं 0 से 1 है। क्वेश्चन नंबर 16 है ना सर। अच्छा अच्छा ओके, अपन ने बदल के उसको 1 to 2 लिमिट, हाँ ठीक है 1 to 2 से आप रखिए उसमें लिमिट को, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। शुरू में नहीं ध्यान दिया अपन ने, कोई बात नहीं, इसको 0 से 1 पे ही कर लो इस क्वेश्चन को, लिमिट को 0 से 1 ही रखो, ठीक है, इसी पर इसकी वैल्यू निकालिए, 0 से 1 पे ही निकाल लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर बात करते हैं, पूरी क्लास होगी सैटरडे को, ठीक है। इनकी मगर प्रैक्टिस करिए भाई, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। ओके स्टूडेंट्स, बेटा एन मैरी, यस सर, वो मुझको व्हाट्सएप कर दोगी वो अभी की प्रॉब्लम है? सर आप नंबर दे दो सर, मेरे पास अभी नंबर नहीं होगी। अच्छा एक मिनट बेटा, क्योंकि मैं नाम, अच्छा ऐसे ही बोल दो, मैं लिख ले अभी, एक मिनट जरा रिकॉर्डिंग में ऑफ कर लूं, आप रुकना है। अदर्स प्लीज लीव द क्लास।